सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइस माइनक्राफ्ट। और गाइस आज हम माइनक्राफ्ट में बनाने वाले हैं अनलिमिटेड व्हीट फार्म। इसमें आप व्हीट, कैरेट, बीट रूट ये चीज़ें उगा सकते हो, शुगर केन और गाइस शुगर केन और जो पम्पकिन वगैरह वो आप इस फार्म में नहीं उगा सकते हो। सो चलिए गाइस इस फार्म को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस इस फार्म की एक प्रॉब्लम ये है कि गाइस ये सिर्फ ऑटोमेटिक हार्वेस्ट करेगा, आपको बस फसल को लगाना पड़ेगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए इस फार्म को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये फार्म है वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें 7x7 का जो है एक एरिया तैयार कर लेना है डर्ट से, जिसकी लेंथ भी 7 हो और ब्रेथ भी 7 हो, यानी लंबाई चौड़ाई है वो 7-7 ब्लॉक होनी चाहिए। हाइट है आपको 1 ब्लॉक ही रखना है। सो अभी इसकी जो है एक साइड से मैंने दीवार कंप्लीट कर दी है 7 ब्लॉक्स की, अभी दूसरी साइड से मैं 7 ब्लॉक्स कंप्लीट करता हूँ। तो जल्द से जल्द कर देते हैं 7 ब्लॉक्स। तो ये 7 हो चुके हैं यहाँ तक, और अभी गाइस इसे चारों तरफ से कवर कर देता हूँ मैं। तो गाइस अभी जो है ये 7 ब्लॉक्स तक रेडी हो चुका है। ये एक साइड इस साइड थोड़ा ज़्यादा ब्लॉक लगा है तो इसे हटा देता हूँ। सो गाइस ये हमारा जो है एक फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। सो अभी इसके अंदर मैं जल्द से जल्द डर्ट को है वो फिल कर देता हूँ, ये साइड से हटा देता हूँ। तो 7x7 का हमने ये एरिया तैयार कर लिया है जिसके अंदर हम खेती करने वाले हैं। सो अभी इसके अंदर मैं जल्द से जल्द भर देता हूँ सभी जगहों पर ये डर्ट। और गाइस अभी हमें एक सेंटर में जो है एक डर्ट ब्लॉक है उसको माइन करना होगा इसके। सो आप बीच में से तीसरा जो ब्लॉक है उसको, 3 ब्लॉक छोड़कर जो फोर्थ ब्लॉक आएगा उसे मैं माइन कर देता हूँ। अभी ये यहाँ पर आएगा। सो गाइस यहाँ पर हमें आप वाटर डालेंगे जिसकी वजह से इसके चारों तरफ है जो वो है हम खेती कर पाए। सो गाइस ये ऑटोमेटिक फार्म होने वाला है, बस आपको एक बार फसल लगाने में है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी वरना भाई फसल तैयार होने के बाद भाई तुरंत ऑटोमेटिकली आपकी चेस्ट में इकट्ठी हो जाएगी, बस उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही इजी फार्म है। सो ऐसे ही हमें 7 ब्लॉक्स तक भाई कंटिन्यू करना है, और भाई आप जितना चाहो उतना कंटिन्यू कर सकते हो। 7x7 के आप 8 से 10 भी बना सकते हो। मैं सिर्फ 3 लेयर तक ही इसे फार्म को तैयार करने वाला हूँ। सो हमारी सामने की साइड फर्स्ट लेयर हो चुकी थी, अब ये सेकेंड जो लेयर है वो रेडी कर रहा हूँ मैं। सो अभी इसे अंदर से फिल कर देते हैं। तो ये बीच वाला एक ब्लॉक है, इसे यहाँ पर हमें छोड़ना है जगह को, और पहले भी आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सी जगह छोड़नी है। सो अभी ये जगह छोड़नी है और बाकी हमें सभी जगहों पर है डर्ट फिल कर देनी है। तो 7x7 का एक एरिया ये भी तैयार हो चुका है, अभी दूसरा एरिया भी हम जल्द से जल्द तैयार कर लेते हैं। ये सेकेंड हो गया है, और ये लास्ट थर्ड एरिया है वो भी मैं ऐसे ही तैयार करने वाला हूँ। सो गाइस ये फार्म है वो लगभग आपको 2 स्टैक तक जो है एक बार में आराम से भाई जो कोई भी फसल लगा वो आराम से मिल जाएगी आपको। 2 स्टैक से ज़्यादा भी मिल सकती है, आप जितना इसे बड़ा बनाओगे उतना ज़्यादा आपको फिर है चीज़ें मिलेंगी। सो मैं लास्ट वाले को जल्द से जल्द पूरा कर देता हूँ। सो गाइस हमने तीनों है जो है फील्ड तैयार कर ली हैं 7x7 ब्लॉक्स के, और बीच में हमने एक एक ब्लॉक है इनके अंदर से मैंने खोद दिया है। और गाइस अभी हम जो करने वाले हैं वो है इसकी साइड में जो है हम एक एक ब्लॉक है वो लगाने वाले हैं स्टोन का। सो अभी हम स्टोन लगाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जल्द से जल्द अभी मैं इन सभी के साइड में स्टोन लगा देता हूँ। सो गाइस ये कुछ लास्ट स्टोन बचते हैं, मैं इन्हें भी जल्द से जल्द लगा देता हूँ। और ये हमारा स्टोन फार्म है, सॉरी स्टोन बोल रहा हूँ, ये हमारा जो फार्म है वो बनकर रेडी हो चुका है, कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है भाई हमारा फार्म। सो गाइज अभी हम यहाँ पर सभी जगह ऊपर हे चलाने वाले हैं, तो मैं सभी जगह ऊपर हे चला देता हूँ। बीच में हमने वाटर डाल दिया है, और वाटर डालने के बाद गाइज यहाँ पर हम लगाने वाले हैं ये स्लैब रखे हैं। गाइज हमें जो है इस वाटर के ऊपर है स्लैब रखना है, क्योंकि वरना यहाँ पर भाई बीच में फसल है वो रुक जाएगी। तो मैं यहाँ पर स्लैब रखूँगा, और बाकी जो जगहों पे है मैं यहाँ पर सभी जगह ऊपर हे है वो चला देता हूँ। सो गाइस हमने सभी जगह ऊपर हे चला दी थी, अब यहाँ पर हम रखने वाले हैं डिस्पेंसर्स को। सो गाइस अभी हमें एक रो है यहाँ पर डिस्पेंसर की रखनी है, और डिस्पेंसर की रो रखने के बाद भाई वहाँ पर हम डालेंगे सभी के अंदर वाटर बकेट। सो अभी हमने सभी डिस्पेंसर की बकेट रख देता हूँ जल्द से जल्द, और उनके अंदर वाटर भी डाल देते हैं। सो गाइज हमने वाटर बकेट है वो सभी के अंदर रख दी है, और जो हम रेड स्टोन लगाएंगे भाई वो इन डिस्पेंसर के ऊपर ना लगा के एक ब्लॉक पीछे लगाना, वरना ये फार्म है वो शायद अच्छे से काम ना करे। तो भाई यहाँ पे तो बारिश की वजह से अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पर मैं बटन लगा कर इसे चेक कर लेता हूँ।
भाई जो पानी है बिल्कुल लास्ट तक जा रहा है और अभी जो है वो वापस भी आ जाए, इनमें क्लोज भी होना चाहिए अच्छे से। और गाइज ये आपका फॉर्म अच्छे से काम ना करे तो भाई मैं नीचे कमेंट करके बता देना, मैं एक और फॉर्म है वो मेरे माइंड में है वो बना सकता हूँ मैं। तो गाइज बारिश का टाइम था और काफ़ी अंधेरा था तो इसलिए भाई मैंने जो है यहाँ पर आकर फसल लगा दी थी और अभी मैं कलेक्टिंग एरिया है वो जल्द से जल्द रेडी कर देता हूँ और भाई फसल भी है वो बड़ी हो चुकी है और इसके बाद भाई हमें सिर्फ डिस्पेंसर से वहाँ से पानी निकालना है और पानी निकालने के बाद भाई ये ऑटोमेटिक है वो इस चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगा। सो जल्द से जल्द गाइस पानी निकालते हैं वहाँ से और जो है यहाँ पर फेंस लगा देता हूँ मैं क्योंकि भाई पानी है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा और जो फसल है वो इसके अंदर कलेक्ट नहीं होगी ऊपर से, सो इसलिए यहाँ पर फेंस लगाना ज़रूरी, आप कोई भी फेंसिंग यूज़ कर सकते हो। सो जल्द से जल्द चलता हूँ ऊपर और भाई उन डिस्पेंसर से पानी निकालते हैं। जैसे गाइस उन डिस्पेंसर से पानी आएगा और पानी आने के बाद भाई ये ऑटोमेटिकली जो सारी फसल है वो उस चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगी। सो गाइस हमने बटन दबा दिया, भाई कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है भाई ये पानी जैसे जैसे आगे जा रहा है हमारी फसल टूट कर रहा है, भाई बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है। सो अभी गाइस हमारी जो फसल है वो ऊपर से कलेक्ट हो रही है, सो अभी मैं इस पानी को पीछे जाकर बंद कर देता हूँ। और गाइज अगर आपको ये फॉर्म अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।